हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप लोग कैसे आई हो? आप लोग बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड। तो आज है करवा चौथ, तो आज हम लोग दो बार करवा चौथ के दिन दो बार नहाते हैं, क्योंकि एक बार शाम में नहाया जाता है और सुबह नहाया जाता है। सो हम नहा के पूजा पाठ के जितना भी बर्तन थाली सब है वो अच्छे से समेट लो और अच्छे से पूजा पाठ का सारा सिर्फ बर्तन धो लो। और रात में शाम होते ही नहा के उसके बाद हमें पूजा पाठ करने के लिए जाना है, और सुबह ही हम लोग बाल धोना है। मतलब जो फर्स्ट टाइम नहाते हैं उसमें बाल धो के उसके बाद सेकंड में बाल नहीं धोना है, उसको अच्छे से नहाने के उसके बाद तो पूजा पाठ अच्छे से करूँगी मैं। आप लोग देख सकते हैं मैं मेहंदी भी लगा चुकी हूँ। ये हाथ में इधर देखिए मेरी बेटी लगाई है, और अभी मैं साड़ी पहनूंगी, शाम में नहा के साड़ी पहनूंगी। मैंने अलता भी लगाया है, देख सकते हैं मैंने पैर भी रंगे हैं। हेलो फ्रेंड, शाम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये पूजा का सामग्री ज़्यादा, ये रहा मेरा साड़ी है, पेटीकोट, ब्लाउज, चूड़ी, मेकअप का सारा सामान। अब मैं जा रही हूँ नहाने, मैं तैयार हो चुकी हूँ, और ये इधर भी मैंने पूजा कर लिया करा माता का, और मैं अब कथा पढ़ने जा रही हूँ। कथा पढ़ के तब बैठूंगी, तब जाना आएगा, तब मैं नवरात खोलूंगी। जय माता करवा, जय माता दी, जय माता दी, भाद्रो गणेश चतुर्थी व्रत कथा करवा माता व्रत कथा, जय माता दी। पांच वर्ष का पुत्र खिलौना समझकर गले में बांध खेलने के लिए बाहर निकला। उसी समय एक मूर्ख बर्तन बनाने वाला उस पांच वर्ष वालों को अपने आंगन में डाल दिया। इस समय माता पुत्र पूजा कर विलाप होने लगे। पुत्र पीड़ित से मेरी रक्षा करे, विष्ट घर देने वाले पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार आधी रात तक उनको बिचारे से विलाप किया। सवेरे होते ही कोहार आवाज खोल के देखता है तो पांच वर्ष के बालक उनकी आवा में वो पानी खेलता हुआ किस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। उसके बाद जाकर राजा के सामने अपने उसने कहा कि हे सब यह सुनकर कहा तुम्हारा बोला है राजा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो उसने राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे। कई बार आवा में आग दे उसके महाप्रक्रमी मात सात पुत्र लक्षण से युक्त वीरवती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उनकी आंखें नील कमल के समान, मुख चंद्रमा के समान था। उनके विवाह योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण की वे को विवाह की विधि सूत्र प्रदान कर लिया। तत्पश्चात वीरवती ने उनके भाई की स्त्रियों उनके विवाह के योग समय आने पर तत्पश्चात कृतिक मास चतुर्थी के दिन व्रतोपास कर सायंकाल स्नान कर भक्ति कक्ष का चित्र उसी समय के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कृतिक ने पार्वती जी का नाम बताया और नमः शिवाय इसी मंत्र से गंध पुक्ष आदि से गौरव पूजा की। फिर शिव जी, गणेश जी और संतान का अलग अलग पूजन का करती पकवान अक्षत दीप से युक्त गेहूं के पिसन गुड़ या उनके प्रकार के आदि अपन के तत्पश्चात अर्घ देने के जल्दों से प्रतीक्षा करने लगे। शिव विष्णु के नाम प्यास से पीरा तो पृथ्वी गिर उसके विधन फिर वीरगति को सौ पंख से हवा का उसकी चंद्रमा निकल चिंता था। एक महान वटवृक्ष पर चढ़ के वाहन से प्रेम की दुखी उनको उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। जब उससे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दुष्ट होने से उसका पति मर गया। तब वीरवता अपने पति मरा देख पुनः शिव जी का पूजन करने लगी।
व्रत के समाप्त होने पर कर्क चतुर्थी का व्रत कर उसे स्वर्ग लोक से लाई। देखिए फ्रेंड, चांद निकल चुका है, अब मैंने अपना व्रत भी तोड़ लिया है, चांद निकल चुका है और मैं अपना व्रत भी तोड़ चुकी हूँ। हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ, व्रत मेरा खुल चुका है, मैं जा रही हूँ कपड़े खोल के, मैं जा रही हूँ खाना पूरी छानूंगी, उसके खाऊंगी। बाय। अपना आप लोग के साथ का वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब।